हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्केन्स में हेलोजिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। हेलोजनीकरण, जिसमें हम हेलोजन की रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे, क्रियाशीलता और वरणशीलता। ठीक है, क्लोरीन वर्सेस ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन और क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में कंपैरिजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन है, हेलोजिनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच वन या मोर हेलोजन एटम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन इनटू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हेलोजन की रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिससे हमें हेलोजिनेटेड कंपाउंड प्राप्त होता है। और हेलोजन एटम जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा, ये है। फिर ये जो हेलोजिनेशन की जो है प्रोसेस है, इसमें जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन संपन्न होती है। हमें पता है एल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेस रिएक्टिव है, बट सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं? एल्किल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हेलोजन होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में या बहुत उच्च ताप में ये क्या होते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज द्वारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो तीन स्टेप में संपन्न होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और थर्ड है चेन टर्मिनेशन, श्रृंखला प्रारंभ पद जिसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है, थ्री स्टेप में होती है। इस स्टेप में कोई भी जो हेलोजन है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज द्वारा इसका फॉर्मेशन करता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। जैसे हमने यहाँ पे Cl2 है, हेलोजन है, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है, सममांस विखंडन होता है और जिससे हमें दो क्या मिलते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है ना, ये फ्री रेडिकल। ये फर्स्ट स्टेप होता है श्रृंखला प्रारंभ पद या चैन इनिशिएटिंग स्टेप। सेकंड होता है चैन प्रोपेगेशन। ठीक है, इसको श्रृंखला संचरण पद भी कहते हैं। इस स्टेप में क्या होता है, जो हमारा हेलोजन या क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो एल्केन से रिएक्शन करता है, इसका CH बॉन्ड ब्रेक होता है जिससे हमें HCl मिलेगा और CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो CH3 एक बार अगर फ्री रेडिकल बन जाता है तो फिर वो फर्दर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता रहता है। तो ये जो CH3 फ्री रेडिकल बना है ये हेलोजन से रिएक्शन करता है और मिथाइल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, क्लोराइड का ये फ्री रेडिकल है। ये है हमारा चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तो इस स्टेप में हमें एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड आता है चैन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है ना, श्रृंखला समापन पद। इसमें जो भी फ्री रेडिकल बचे होते हैं वो आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बना यौगिक बना लेते हैं। जैसे क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल है तो ये Cl2 का फॉर्मेशन कर लेंगे, CH3 फ्री रेडिकल है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और CH3Cl है तो ये CH3Cl का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरह से फ्री रेडिकल क्या हो जाते हैं, आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वो क्या है, चेन टर्मिनेशन या श्रृंखला समापन पथ। फिर इसमें आता है काइनेटिक्स ऑफ हेलोजिनेशन। ठीक है ना, हेलोजिनेशन की काइनेटिक्स, गतिकी का अध्ययन। तो क्या होती है काइनेटिक्स, क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन। हम क्या पढ़ेंगे, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के बारे में देखेंगे। तो इसमें है Although alkanes undergo radical substitution with both Cl2 and Br2, chlorination and bromination exhibit two important difference. ठीक है, इनमें क्या difference होता है कि chlorination जो है वो fast होता है किसके compare में, bromination के। ठीक है, तो एक तो ये है कि chlorination is faster than bromination and second है chlorination is unselective. ठीक है ना, ये वरणशील नहीं होता, yielding a mixture of products, ये समान मात्रा में प्रोडक्ट्स बनाता है, बट ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव होता है, ज्यादा वरणशील होता है, बट क्रियाशील क्या है, कम होता है। यील्डिंग वन मेजर प्रोडक्ट, एक ज्यादा मात्रा में बनाएगा एक प्रोडक्ट
और दूसरा कम मात्रा में। हम इसको इजी वे में समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो क्लोरीन है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, लेस सिलेक्टिव है, ठीक है ना, क्रियाशील तो ज्यादा है। उसमें जो प्रोडक्ट्स बनेंगे तो वो क्या है, लगभग बराबर रेशो में बनते हैं। और जो ब्रोमिनेशन है वो क्रियाशील तो कम है, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव बट मोर सिलेक्टिव, वो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कंपाउंड मोर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो जो कम फ्री रेडिकल होगा स्टेबल होगा वो कम मात्रा में बनेगा। तो ये सिलेक्टिव है ब्रोमीन, और क्लोरीन क्या है, मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव, और जो ब्रोमीन है वो लेस रिएक्टिव और मोर सिलेक्टिव, ठीक है, ज्यादा वरणशील है। तो ये क्रियाशीलता और वरणशीलता के बारे में ही हम यहाँ देख रहे हैं, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के बारे में। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा क्या है, प्रोपेन, इसकी रिएक्शन हम Cl2 से सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं। तो इसमें दो टाइप के हाइड्रोजन है, ये तो 1 डिग्री है, और 1 डिग्री तो ये दो है CH3 वाले, तो 1 डिग्री है, और ये क्या है, 2 डिग्री है। तो हमें दोनों प्रोडक्ट 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड दोनों मिलते हैं। बट क्लोरीन क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है और वरणशील या सिलेक्टिव कम होता है। तो दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग बराबर मिलते हैं, जैसे 45-50 रेशियो में, या फिर लगभग अपन हम मान सकते हैं कि लगभग बराबर है 1:1 रेशियो में। राउंड फिगर में हम इसको 1:1 मान सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि क्लोरीनेशन इज फास्ट एंड अनसेलेक्टिव, ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि इसमें स्टेबिलिटी का सेलेक्टिविटी नहीं देखी जाती और तुरंत हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं 1:1 रेशियो में। अब हम प्रोपेन का जब ब्रोमिनेशन कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमें 1 डिग्री और 2 डिग्री जो है, तो 1 डिग्री तो हमें 1-2% ही मिलता है, पर 2 डिग्री है वो 99%। एक तो मेजर प्रोडक्ट बनता है, एक लोअर बनता है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है, बट वरणशील या सेलेक्टिव ज्यादा है। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिलेगा, और जो कम स्टेबल है वो प्रोडक्ट हमें कम मिलेगा। तो एक तो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और एक हमें माइनर में मिलेगा। तो ब्रोमिनेशन इट इज स्लो प्रोसेस है और सेलेक्टिव है, ठीक है, इसमें जो स्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इस टाइप से हम क्लोरीन वर्सेस ब्रोमिनेशन में हमें यही ध्यान रखना है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एंड ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव, ठीक है ना, ब्रोमीन सेलेक्टिव ज्यादा है, क्लोरीन क्या है, सिलेक्टिव नहीं है, अनसिलेक्टिव है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब अगर इसको हम और डीपली समझें तो इनके ट्रांजिशन स्टेट्स के बारे में भी देख सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट इन ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन में क्या क्या है, ठीक है ना। तो जो सक्रियण एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, वो क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक होती है। तो ट्रांजिशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो क्या है, रिएक्शन उतनी ही मुश्किल से होगी, और जितनी कम होगी वो इजीली रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो हम पहले ब्रोमिनेशन की बात करें, तो ब्रोमिनेशन में है जैसे हमारा क्या है, इधर एनर्जी लिया है, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो जब प्रोपेन का क्या कराया, ब्रोमिनेशन फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में, तो इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट्स की बात करें तो 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है, और 2 डिग्री की क्या है, कम है, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, और इसकी ये क्या है, जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट हो गई, और ये क्या है, लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट हो गई 1 डिग्री वाली। तो ब्रोमिनेशन में लेस स्टेबल होगा 1 डिग्री रेडिकल और मोर स्टेबल क्या होगा, 2 डिग्री रेडिकल। तो हमें 2 डिग्री जो प्रोडक्ट है वो 99% मिलता है और 1 डिग्री 1%, इसके कारण स्टेबिलिटी के कारण। और ब्रोमीन क्या है, लेस रिएक्टिव होने के कारण मोर सिलेक्टिव होता है, तो जो स्टेबल होता है वही प्रोडक्ट हमें ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो इसमें है द ट्रांजिशन स्टेट टू फॉर्म द लेस स्टेबल 1 डिग्री रेडिकल इन हायर इन एनर्जी देन द ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम द मोर स्टेबल 2 डिग्री रेडिकल, थस द 2 डिग्री रेडिकल इज फॉर्म्ड फास्ट, ठीक है ना। तो
ये ज्यादा मात्रा में बनेगा 2 डिग्री वाला, इसलिए हमें 2 डिग्री प्रोडक्ट भी ज्यादा मिलेगा। तो इसमें है इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, बिकॉज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज एंडोथर्मिक, द मोर स्टेबल रेडिकल इज फॉर्म्ड फास्टर एंड ओपन ए सिंगल रेडिकल हैलोजिनेशन प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंस। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिलता है ब्रोमिनेशन के केस में। अब हम ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द इन द क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन की बात करें तो क्लोरीनेशन क्या है, फास्ट है रिएक्शन, क्या होती है मोर रिएक्टिव होने के कारण क्लोरीनेशन प्रोसेस, और जो इनकी ट्रांजिशन स्टेट है दोनों की वो लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है। ठीक है ना, तो बोथ रेडिकल आर फॉर्म्ड। तो ये जो हमारा प्रोपेन है इसकी रिएक्शन क्लोरीन फ्री रेडिकल से कराते हैं, द ट्रांजिशन स्टेट फॉर बोथ रिएक्शंस आर सिमिलर इन एनर्जी, सो बोथ रेडिकल्स आर फॉर्म, तो दोनों रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है 1 डिग्री और 2 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री लेस है और 2 डिग्री मोर स्टेबल है, बट दोनों का क्या है, सिमिलर होने के कारण दोनों का ही फॉर्मेशन होता है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो लगभग 1:1 रेशियो में मिलेंगे। कंक्लूजन क्या है, बिकॉज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज इन क्लोरीनेशन इज एक्सोथर्मिक, द ट्रांजिशन स्टेट रिसेंबल्स द स्टार्टिंग मटेरियल, बोथ रेडिकल्स आर फॉर्म्ड एंड ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट हमें दोनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इस टाइप से हमने हैलोजिनेशन में देखा कि किस टाइप से क्रियाशीलता और वरणशीलता जो हैलोजन्स की होती है वो हमें प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हमने हैलोजिनेशन में देखा, सॉरी इनको प्रभावित करती है हैलोजिनेशन में, कि ये जो प्रोसेस है वो सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। ये 3 स्टेप में होता है, कौन कौन से स्टेप में होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला प्रारंभ पद, श्रृंखला संचरण पद, और थर्ड जो होता है वो चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है, और तीनों के दौरान हमें एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें फ्री रेडिकल बनता है, सेकंड स्टेप में हमें एल्किल हैलाइड मिलता है चेन प्रोपेगेशन में, और जो थर्ड स्टेप में है उसमें जो बचे हुए रेडिकल्स हैं वो आपस में रिएक्शन करके वो आपस में बनाते हैं, जैसे ClCl फ्री रेडिकल है तो Cl2 का फॉर्मेशन कर लेंगे, मिथाइल मिथाइल फ्री रेडिकल है तो CH3CH3 आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर हमने इसमें हैलोजिनेशन में पढ़ा क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन, इनमें कंपेयर पढ़ा। तो हम जब भी क्लोरीनेशन है उसकी रिएक्शन और ब्रोमिनेशन इनमें डिफरेंस क्या है, तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो जो क्लोरीन क्लोरीन इसमें हैलोजन्स में, तो क्लोरीन जो होता है वो ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, बट क्या है, लेस सिलेक्टिव है, कम वरणशील है। रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण इसमें दोनों टाइप के रेडिकल्स का फॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है, जिसके कारण दोनों टाइप के रेडिकल्स बनते हैं, और दोनों टाइप के रेडिकल्स बनने के कारण हमें जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो लगभग बराबर रेशियो में प्राप्त होते हैं, 1:1। ठीक है, राउंड फिगर में ले तो लगभग 1:1 में प्राप्त होते हैं। अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें तो ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन के कंपेयर में क्या है, लेस रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है, बट मोर सिलेक्टिव है, अधिक वरणशील है। तो इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या होता है, जो 2 डिग्री रेडिकल है उसकी वो ज्यादा स्टेबल होता है, और 1 डिग्री क्या है, कम स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी कम होती है एक्टिवेशन, तो वो जल्दी बनता है, जिससे हमें 2 डिग्री जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, और 1 डिग्री है वो माइनर। तो इनका जो रेशियो होता है 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स का, वो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वो तो हमें 1:99 और 2 डिग्री वाला हमें 99। तो एक तो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और एक हमें क्या मिलेगा, माइनर। ठीक है, तो ऐसा किसके कारण है, रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी के कारण। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, लेस सिलेक्टिव है, और ब्रोमीन क्या है, लेस रिएक्टिव है बट मोर सिलेक्टिव है, जितना ज्यादा क्रियाशील होगा उसमें मतलब दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, लगभग बराबर रेशियो में हमें प्राप्त होंगे, बट ब्रोमिनेशन के केस में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट की बात करें तो 2 डिग्री जो है वो ज्यादा मोर सिलेक्टिव होने के कारण ब्रोमीन के 2 डिग्री प्रोडक्ट है वो हमें
मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। थैंक यू।